सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। और मैं अनीता शारदा आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि आप मेरे सर पे देख ही रहे हैं, मैंने टॉवल रैप किया हुआ है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दी एक लॉन्ग टॉवल लेके मॉर्निंग रूटीन बनाइए। सो आज संडे है तो मैंने अपना हेयर वॉश किया था, उसके बाद मैंने टॉवल जो है वो अपने हेड पे रैप कर लिया है। इतना बड़ा टॉवल नहीं है, नॉर्मल टॉवल है। सो बाकी जो काम है वो मैं कर चुकी हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि कमेंट आया था किसी का, तो वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने बाकी का जो थोड़ा बहुत है रूटीन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें। सो क्योंकि चैलेंज नहीं था, कमेंट किया था कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आपने अपने हेड को रैप किया हो टॉवल, बिग टॉवल के साथ, लार्ज टॉवल के साथ, और उसके साथ मॉर्निंग रूटीन बतानी है करते हुए। तो वो डिस्पाइट थोड़ा सा मेरा आई थिंक ये शूज़ मैं अभी धोने वाली हूँ। ये स्कूल वाले शूज़ जो हैं वो गंदे हो चुके हैं डेली वेयर करके, सो इनको अभी मैं धोने वाली हूँ। सो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। दादी अपने बिस्तर पे बैठी है तो गाड़ी धोई है अभी, बाकी हो रही है साफ़ सफाई थोड़ी बहुत। समर्थ अपनी मस्ती कर रहा है, इसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा, मुझे परेशान कर रहा है। क्या कर रहे हो? क्या ये नहीं देना, इधर आओ। निन्नी करे नहीं। निन्नी करे प्लीज। निन्नी करे, ये नहीं लेना बिट्टू। निन्नी 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 करे प्लीज। निन्नी करे प्लीज 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 प्लीज। निन्नी करे नहीं, ये निन्नी करनी। निन्नी आ जाओ। निन्नी स्मित क्या कर रहे हो? नो बेटा, गलत काम। जल्दी से यहाँ पे मैं अपने शूज को धो देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे टॉवल को अपने सर पे रैप रख के ही पार्क में से जो पत्ते बिखरे हुए हैं वो उठाऊंगी, क्योंकि ये जो कमेंट आया था उसकी वजह से जितना हो सकेगा मैं उतना कर पाऊंगी। पूरा मैं नहीं कर पाई हूँ वीडियो में, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो देखिए कब तक मैं ये जो है कंप्लीट कर पाई टॉवल रैप करके अपने हेड के ऊपर। साथ साथ मैं बात भी कर रही थी यहाँ पे मम्मी से, जैसे कि आप देखें ये टॉवल पे रैप करके काम करना ना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब हेड डाउन करके आपने काम करना होता है तो अब तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। बट फिर भी मैं सारे पत्ते उठाऊंगी, ये इतना ही मेरे से हो पाएगा। समर्थ भी मेरे को परेशान कर रहा था कि ऐसे करो, ये अभी आया है ये मेरे पास मुझे तंग करने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बस मेरे आगे पीछे ऐसे इधर उधर घूमता रहेगा और बोलता रहेगा माँ ये। अभी इतना बोलता नहीं है क्लियर ना, तो थोड़ा बहुत ही बोल पाता है। सो बस आगे पीछे ही करेगा, माँ बोल उठा दो, माँ ये इशारों से ही बताता है। अभी 2 साल का हुआ है ये, 2 साल 1 मंथ का, मतलब काफ़ी छोटा है अभी तो। मुझे ऐसे लगता था पहले कि शायद ये बोल नहीं रहा है इतना अच्छे से, हो सकता है कि हमारा बच्चा ही लेट है बोलने में। बट जैसे पता लगा कि सभी इस एज में ऐसे ही होते हैं। टॉवल को हम बहुत ज़्यादा देर तक बालों में रैप नहीं कर पाए, तो इतना ही मेरे से हो सका। तो चैलेंज नहीं था, कमेंट था, वो इतना सा थोड़ा सा मैंने कर दिया। अब मैंने अपने बालों को कॉम कर लिया है, बाकी कपड़े जो हैं सूख चुके हैं, थोड़े सूख भी रहे हैं। जैसे आपके पीछे आवाज़ आ रही है, गुरुद्वारा लगा हुआ है, या हमारे हर संडे लगता है ये गुरुद्वारा साहब। आज थोड़ी धूप जो है, हवा भी चल रही है, धूप भी है, ठंड भी लग रही है, नहीं भी लग रही, मिक्स सा मौसम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीमार करने वाला मौसम है। सो आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आसपास का अगर आपको हम व्यू दिखाएं तो ऐसा है कुछ,
हमारे आसपास सब जगह ग्रीनरी है, ज्यादातर ग्रीनरी ग्रीनरी है हमारे पास। ये किसकी गाड़ी है, ये किसकी गाड़ी है भाई साहब? है सो ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो में क्या शूट करें। सो आज थोड़ा मूड भी डाउन डाउन सा ही है, बॉडी भी ढीली ढीली सी है। सो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा कि वीडियो में हम क्या दिखाएं, तो इसलिए ओके टाटा बाय बाय करते हैं।